जयपुर में नौतपा के पांचवें दिन भी भीषण गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। इस दौरान तेज गर्मी के साथ लू चल सकती है। आज दिन के साथ रात में भी गर्म हवाएं आम आदमी को परेशान कर सकती है। शाम को मौसम बदलेगा और तेज रफ्तार में हवा चल सकती है। भीषण गर्मी के बीच जयपुर में एक ऑटो ड्राइवर ने सवारियों को राहत देने के लिए ऑटो पर खसखस की टाटियां लगाई और इन पर पानी का छिड़काव किया जाता है। जब ऑटो चलता है तो गर्म हवा की जगह ठंडी हवा महसूस होती है। उधर नगर निगम हेरिटेज ने भीषण गर्मी में काम कर रहे सफाई कर्मियों को छाछ पिलाकर राहत देने की कोशिश की। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजधानी जयपुर में अगले 24 घंटे भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। तेज धूप के साथ लू आम जनता को परेशान कर सकती है। 30 और 31 मई के बीच राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से राजस्थान के उत्तरी भाग में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। जयपुर में रात का तापमान 33.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले रात का तापमान 33.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज 0.1 डिग्री तापमान गिर गया। इसके साथ हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। बुधवार को गर्मी के बीच जयपुर के SMS हॉस्पिटल के धनवंतरी OPD में सेंट्रल कूलिंग सिस्टम खराब हो गया। इसकी वजह से मेडिकल स्टाफ और मरीजों को भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है।